हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGCNET क्रिकेट में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से रिलेटेड है। इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं और सभी पद ऑन रेगुलर बेसिस यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या रेगुलर बेसिस या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 11/10/2022 से शुरू हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 10/11/2022 है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल कॉपी में रिसीव करने की जो तिथि है 20/11/2022 है। तो फ्रेंड, एक बात बता दूं कि इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी अवेयर हो सकें और इस सरकारी नौकरी का लाभ उठा सकें। अब यहाँ पे आते हैं तो विभिन्न पद में आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिया है, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, L10 का पद है। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, UDC स्टेनोग्राफर, UDC तक जो पद हैं यानी टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर का जो पद है, इतना जो मैं बताया हूँ इसमें सभी में एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। UDC के दो पद हैं, स्टेनोग्राफर के दो पद हैं, LDC और सेक्रेटरी असिस्टेंट के एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। या जो विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं तो केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में यह आवेदन आमंत्रित किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में यह आवेदन आमंत्रित है। 10 तारीख को यह एडवर्टाइजमेंट आया था, बट किसी रीजन से मैं यह वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एज लिमिट से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको देखना है। इसमें एज लिमिट अधिकतम 35 साल है। मैं सिंपल तरीके से बता दूँ, अधिकतम 35 साल हैं, किसी पोस्ट के लिए 32 साल भी हैं। अब इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि और क्या डिटेल जानकारी दिया है। तो यहाँ पे आते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है मोड ऑफ सिलेक्शन में, तो रिटर्न टेस्ट के आधार पर आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी का पद है, रिटर्न टेस्ट के आधार पर होना है, जिसमें 100 अंक का आपका पेपर है और इसमें आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद से आपको शॉर्ट लिस्ट करके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप ए का जो पद है, ग्रुप ए पद के लिए यानी सीरियल नंबर 2 का जो पद है, उनके लिए भी सबसे पहले रिटर्न टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू है। अब यहाँ पे आते हैं तो एप्लीकेशन शुल्क की हम बात करते हैं। तो एप्लीकेशन शुल्क इसमें देख लेते हैं कि सीरियल नंबर 1 से 2 तक जनरल OBC के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। सीरियल नंबर 1 से 2 तक जो कैटेगरी में है SC ST PWD, उनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। सीरियल नंबर 3 से लेकर 10 तक जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। सीरियल नंबर 3 से 10 तक SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं।